आपके गाजीपुर जनपद में तोप का मुंह पे हम ही बाणी, देह गोला मर फोसो, देखा गोलवा खत्म होला कि हम खत्म हो। जहां भी गरीब पे अत्याचार होगा, आधी रात को उसका आंसू पोछने का काम किया था और आज भी करूंगा। तुम्हारे बड़े बड़े सूरमा आए और पंजा लड़ाए और गए, लेकिन 14 घंटा खोजना लोगों में, पूछनी का खोजत हुआ जाता, सिलिया खोजत हैं जा सोनवा को, तो घुसा देने वो गोदाम में, ड्राम में का रखल बा, हमका विजय मालिया गडिया भेजेला तही में रखी ला। आप सत्ता में हो, सत्ता का नशा और सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करके विरोधी नेताओं को सता रहे हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, और चाहे आपके गाजीपुर जनपद में तोप का मुंह पे हम ही बाणी, देह गोला मर फोसो, देखा गोलवा खत्म होला कि हम खत्म होइला। लेकिन मैंने कह दिया है कि मैं दूसरी मिट्टी का बना हूं, एक उसूल है, एक सिद्धांत है, 40 साल से जुल्म जाति अत्याचार और सामंतवाद के खिलाफ लड़ता हूं, गरीबों की मदद करता हूं। जहां भी गरीब पे अत्याचार होगा, आधी रात को उसका आंसू पोछने का काम किया था और आज भी करूंगा। आइए, भौतिक सुख साधन के खेत बगीचा और ये बिल्डिंग मकान, ये किसी के जीवन का हिस्सा हो सकता है। अब जाल अंसारी की पूंजी ये नहीं है, तुम खुश हो लो कि कुड़की करके हमने उसको कंगाल कर दिया। मेरी असली पूंजी है गाजीपुर की गरीब जनता, जिसको तुम्हारे बाप की सरकार भी नहीं खुड़ सकती। तुम्हारे बड़े बड़े सूरमा आए और पंजा लड़ाए और गए, और फिर समय 24 में आने वाला है, ऐसी रचना होगी कि कोशिश करूंगा कि पूर्वांचल में उसी तरह से जिस तरह से विधानसभा में नील का रिजल्ट रहा, वही लोकसभा में भी नील का रिजल्ट रहा। और इसी की बेचैनी में परेशान बनो तो कि कैसे इन लोगों को पस्त किया जाए, अगर ये पस्त हो जाएंगे तो हम मनमानी कर पाएंगे। इसलिए सारे आक्रमण हैं और सारे आक्रमण झेल लूंगा, इनके उस अरमान को कि मेरे सामने घुटना टेक दें, इस अरमान को तो इस जीवन में पूरा होने वाला नहीं है। बुजदिल रोज जन्म लेता है, रोज मर जाता है, और हम उसूल वाले लोग हैं, इनसे डरने वाले नहीं हैं। इनकी सारी कार्रवाइयों का जो कोर्ट कचहरी में कानून में व्यवस्था है, उसके माध्यम से लड़ूंगा। और उस मोर्चे पर जितने दिन तुम्हारी सरकार की ताकत है कूद लो, एक एक हिसाब होगा और एक एक चीज हम अपनी लौटा लेंगे, अगर हमारी जच्चाई होगी तो। ईडीआई की हमारे पत्रकार बंधु लोग कहे कि ईडी आ गई आपके यहाँ, हम कहें कि भाई हम तो बड़ा छोटा आदमी रही हम, जब ये सोनिया गांधी या राहुल गांधी के मुसुख चढ़ा देते हुआ तो हमारा में का बात। लेकिन 14 घंटा खोजना लोगों में, पूछनी का खोजत हुआ जाता, सिलिया खोजत हैं जा सोनवा को, तो घुसा देने वो गोदाम में, ड्राम में का रखल बा, हमका विजय मालिया गडिया भेजेला तही में रखी ला, ओके ना जो होला जा मेहुल चौकसी जो भेजेला सोना तो हेमे रखी ला, निकलना सो तो चना हो तो हम कल भीतरा ना हो, हथवा डाल जा भीतरा, और में सल्फास पड़ल हुए मैं गैस मारे नकिए है तो धरा तो खोज खोज में खोज जा, हई मसूरी है, चना है, उर्दी है, खोज जा। बाप दादा जमींदार रहा है, किसान हूँ, आज 40 साल हो गया राजनीति में सक्रिय हूँ, 7 बार विधायक रहा, 5 बार विधायक रहा, 2 बार से एमपी हूँ, तलब तनख्वाह भी मिलती है, पेंशन भी मिलती है, हमारी सैकड़ों दुकानें हैं बाजार में, उसका किराया भी आता है। तुम क्या हमको सड़क का कंगाल समझते हो? मैं सम्मान के साथ, बाप दादा ने इस बस्ती में आसपास के 20 गांव में बिना पैसा लिए लोगों को बसाया है, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। आप खोजो, हई मशीन तो हई मशीन, एक गाड़ी तो खाली नोट गिने वाला मशीन आई लहुए, स्टेट बैंक का मैनेजर आई लहु सो इलाहाबाद से गिनी सो आ जब दिन भर हेरत 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 इन्हन का पसीना छूट गई, तब रात के भगलों सो मुड़ी गोद के, अब वो जगह पत्रकार दौड़ाव सो कि भैया बताइए क्या मिला है, शीशा चढ़ा लो सो बोलबे ना करो, हम गलत न थे न हैं, और जब गलत नहीं है तो हमारे यहाँ से कुछ गलत मिल भी नहीं सकता। हाँ परेशानी हुई, सारा दिन मोबाइल ले लिए सब,
पूरे जिले में खड़कंप मच गया कि केहू से केहू का संपर्क नहीं हो। हमदर्द भी परेशान और जो इन लोगों का भक्त लोग बाड़ा वो परेशान कि कटना बा कुंचल में बा कि का बा। उन्हन के इतना गलत फहमी थी कि बुझा सो कि दुबई का जो खलीफा बुरुज बा ओहू में इनका फ्लैट का कागज भेटा। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।